मुलायम सिंह का मामला जो है वो आप याद करिए, 2005 में मुलायम सिंह यूपीए के को समर्थन नहीं दे रहे थे। वो आए थे 40 सांसद जीत के यूपी से, और इस उम्मीद में आए थे कि केंद्र सरकार को समर्थन देंगे, उसमें उनके मंत्री बनेंगे। और अमर सिंह उस मीटिंग में गए थे, जो यूपीए की पहली मीटिंग हुई थी उसमें वो गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ही बड़े बेआबरू होके उस तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पे वहां से निकलना पड़ा था। और कांग्रेस ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया था, यूपीए ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें किसका समर्थन मिल गया था? उन्हें मिल गया था वाम मोर्चा का समर्थन, जिसके 60 सांसद थे लोकसभा में। आज तक देश की संसद में लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में निर्वाचित हुए थे उस बारी वो लोग, वाम मोर्चा के लोग। तो वो सारी पॉलिटिकल मैट्रिक्स समझनी होगी। उसके बाद 2005 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथियों ने केंद्र सरकार, यूपीए की केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जब वो समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार के अस्तित्व का सवाल आ गया। और जब वो सवाल आया तो उस समय मुलायम सिंह के 40 सांसद वहां काम आए। हालांकि वो 40 तब तक नहीं बचे थे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की रालोद के सांसदों ने उससे पहले ही सरकार में शामिल हो गए थे और वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे। लेकिन फिर भी उनके जो बचे खुचे 36-37 जो सॉरी 34-35 सांसद थे, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था और उस अत्यंत नाजुक घड़ी में सरकार को बचाया था, जब वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था और सरकार लगभग अल्पमत में आ गई थी। और उसी दौरान सांसद खरीद कांड के काम ये सब आरोप लगाए थे बीजेपी ने। हालांकि उनका आज तक, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई बीजेपी की 9 साल, और उससे पहले भी जो है मामले दर्ज रहे, लेकिन उस सांसद खरीद कांड का कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। ऐसे तमाम आरोप हैं। संयोग की बात यह है कि यूपीए काल के जो आरोप लगाए गए, 2G का आरोप लगाया गया, खनन घोटाले का आरोप लगाया गया, तमाम आरोप हैं जिनका कोई आज तक फैसला आया नहीं 9 साल में। और अभी भी संसद में प्रधानमंत्री ने, जब अडानी को लेके उन पे आरोप लगे, अडानी के पक्ष में पक्षपात करने के, तब भी उन्होंने वो सारे आरोप पुराने गिनाए। लेकिन भाई सवाल ये है कि 9 साल से आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, आप क्यों नहीं जांच करते? तो ये सब चीजें देखिए, ये राजनीतिक है सब मामला। जैसे अभी राजनीतिक चल रहा है, वैसे तब भी राजनीतिक था, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्र सरकार यूपीए की हो, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, या एनडीए की हो, बीजेपी के नेतृत्व वाली, या बीजेपी की सोलो सरकार हो अकेली, या कांग्रेस की सरकार हो, ये तो सब चलता है। ये साम दाम दंड भेद, ये जो है राजनीति के आवश्यक अंग हैं, जिनका सब लोग पालन करते हैं कमोबेश। कोई ज्यादा मिकदार में कर रहा है, कोई कम। यूपीए के टाइम में इस तरह के ईडी और जो सीबीआई और आयकर विभाग ने जो मुकदमे दर्ज किए थे, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जो है परियोजनाओं में घूसखोरी, इन सब के जितने मुकदमे दर्ज हुए थे, तब भी 54% मुकदमे वो विपक्षी दलों के, जो कांग्रेस के साथ नहीं थे उनके खिलाफ थे। और आज की तारीख में दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में वो लगभग 90% है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो राजनीति का पक्ष है, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा वो टूल है। और हमारे यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियां शुरू से वो राजनीति का, राजनेताओं के हाथ का, प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ का की कठपुतली रही है और आगे भी रहने वाली है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अब जो 90% हो रहा है, अब जिस तरह बीजेपी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से खुलेआम उनका प्रयोग कर रहे हैं और संसद में सीना ठोक के कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ने सारे विपक्ष को एक कर दिया, उससे क्या निकलता है ओवरटोन? उससे ये ओवरटोन है कि या तो बेटे लाइन में आ जाओ, हमारा विरोध बंद करो, और नहीं तो तुम्हें
कर देंगे अंदर। आप ये देखिए कि दो मामले ऐसे हैं कि इसमें इन मामलों में पक्षपात क्यों दिखाई देता है। अनिल देशमुख 1 साल से अधिक जेल में रहे और क्या कहा अदालत ने, मामला नहीं बनता। संजय राउत, उनको पकड़ के डाला, बुरी तरह से बदतमीजी करके डाला, संघियों ने उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाए, ट्रोल ब्रिगेड ने और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने लगाए, सरकारी मंत्रियों ने लगाए, महाराष्ट्र की इकाई ने लगाए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने लगाए उनके खिलाफ आरोप, देवेंद्र फडणवीस ने। और हुआ क्या, उनको भी अदालत ने कह दिया कोई इस तरह की जो है इनको जमानत न देने का कोई कारण नहीं है और इस तरह से इनकी गिरफ्तारी गलत है। तो ये तमाम मामले हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट भी संविधान की मर्यादा से बंधा है, वो सरकार को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये वो यूपी का मुख्यमंत्री नहीं है जो बुलडोजर जस्टिस करेगा। सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना ही नहीं, न्याय करते हुए दिखना भी पड़ता है। अभी किरण रिजिजू ने एक बात कही थी, वो बड़ी मार्के की है। क्या कही थी उन्होंने, कही तो एक खिलाफ थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो पब्लिक की जो है उसमें नहीं जाना पड़ता अदालत में वोट लेने, इसलिए वो कुछ भी करते हैं। लेकिन वही एक मूल सूत्र फर्क है, गुण सूत्र का फर्क है नेता में और सुप्रीम कोर्ट के जज में। वो अपनी मर्यादाओं से बंधा है, उसको ये नहीं देखना पब्लिक के आगे जाके शेखी नहीं बगाड़नी, सीना नहीं ठोकना संसद में। उसको अपने जो संविधान ने उसको जो मर्यादा दी है, जो भूमिका दी है, वो निभानी है। और वो कितनी शिद्दत से निभा पाता है, कितने न्यायपूर्वक निभा पाता है, कितना जो है कानून के अनुसार निभा पाता है, वो हमेशा से जो है समीक्षा का विषय रहा है और लोकतंत्र में ऐसा होता है। हाँ, तमाम मिसालें हैं ऐसी जहां सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी वो जनता की उम्मीद पूरी नहीं हुई, देश के नागरिकों की उम्मीद पूरी नहीं हुई, देश की सिविल सोसाइटी की उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन तमाम मामलों में हुई है। और अभी मैं इस मामले में जो अडानी का मामला है उसमें मैं मूलभूत मेरा राय में अंतर है अन्य लोगों से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है 3 लोग अपने दिए हैं, सरकार का बंद लिफाफा उसने ठुकरा दिया जो रफाले में हुआ, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं लेंगे, या तो आप उन्होंने सीधा बहुत सख्त टिप्पणी भी करी उस बात को, या तो आप इसे खोल के दीजिए, विपक्षी पार्टी को जो है वो होना चाहिए, जो प्रतिवादी है उसके पास ये जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो हम अपना पैनल बना रहे हैं। और अब उन्होंने अपना पैनल बना दिया, वो पैनल इन कोऑपरेशन इन कंसल्टेशन विद सेबी काम करेगा, सेबी के अंतर्गत नहीं काम करेगा। ये मूलभूत अंतर है समझ में लोगों की। इसलिए इस मामले में ये कहना कि अडानी को रास्ता दे दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। संवैधानिक मर्यादा के तहत वही संभव था, और सेबी से इसलिए इन कंसल्टेशन सेबी से सलाह के साथ सहयोग के साथ चलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मार्केट रेगुलेटर वही है। शेयर बाजार को, पूंजी बाजार को नियंत्रित कौन करता है, उसकी निगरानी कौन करता है, उसका थानेदार कौन है, उसका थानेदार है सेबी, जिसका नाम ही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो विदेशी मुद्रा की भी के लेन देन की भी निगरानी करता है और सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों की भी निगरानी करता है लेन देन की, कि उसमें हेरा फेरी ना हो, लोग जो है सट्टेबाजी करके अपनी कंपनियों के जो है शेयरों के दाम ना बढ़ा लें, जो जो गलत तरीके से जो है गलत प्रैक्टिसेस ना अपनाए, माल प्रैक्टिसेस ना अपनाए, शेल कंपनियां ना आए, उनसे पैसा ना आए, वाइट में पैसा लगे आके मार्केट में, ये सारी चीजें देखना सेबी का काम है, सेबी का मैंडेट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता, सुप्रीम कोर्ट क्या बिना सेबी के सहयोग के जांच हो जाती कोई इस देश में, ये सोचिए ना। तो इसलिए हर जगह राजनीति हम देखें तो वो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को राह नहीं दी, वो है 3 महीने, अब 15 दिन तो लगभग हो भी रहे कमेटी बने, और 2.5 महीने की बात है, तो नाई नाई बाल कितने बोले हुजूर आपकी अभी गोद में गिर रहे हैं तो इसमें हमें अधीर होने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर उस स्टेज पे उसकी रिपोर्ट में आपको खामी लगे, ऐसा लगे कि अडानी को बचने का रास्ता दे दिया,
तब आप जरूर कहें ये हमारा हर नागरिक का देश के लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, सरकार के फैसले पे, संसद के फैसले पे, सब चीजों पे उंगली उठा सकता है। ये हमारा बुनियादी अधिकार। लेकिन उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करना उचित हमारे लिए नहीं है, किसी भी नागरिक के लिए, खासतौर पर अदालतों के लिए क्योंकि वहां कंटेम्प्ट का प्रोविजन है, संसद के लिए क्योंकि वहां प्रिविलेज का प्रोविजन है। इसलिए हमें यह सोच समझ के देख रखना चाहिए कि हम उनके मामले में जो टिप्पणियां करें वो मर्यादित भाषा में हो और नियमों के अधीन हो। इसलिए, और रही बात मुलायम सिंह की, तो ये तो जब इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करी तो वो तो साफ ही दिख रहा था कि दबाने की कोशिश है। और आप देखिए भाई 2022 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव है वो खड़े खड़े कैसे हार गए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जरा इसकी जांच तो हो। भीतर से सैलाब उमड़ रहा है उनकी मीटिंग्स में और चुनाव वो हार रहे। शव जो है नदी किनारे गड़े हुए हैं, नदी में तैर रहे हैं। क्या हमारी आवाम इतनी बेवकूफ है? तो इसके पीछे भी तमाम तरह की राजनीति है। जो मैं कहूंगा तो मुझे उसका सबूत देना पड़ेगा और उस राजनीति का कोई सबूत होता नहीं है। वो होती है पर्दे के पीछे दबाव की राजनीति। वहां दिखता है एजेंसियों का रोल, केंद्रीय एजेंसियों का, इनकी भूमिका वहां दिखाई देती है। वो तरह उस तरह के दबाव इनके मार्फत आते हैं। तो ये यूपी का चुनाव, विधानसभा चुनाव, बीजेपी का दोबारा जीतना और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन का हारना, वो अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे दिया है तो उन्हें छूट दे दी, बहुत बड़ी राहत दी है, उनके गले से शिकंजा हटा दिया है। और अब उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव उस बुलंदी के साथ मैदान में डटेंगे देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में जो है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए उस मजबूती से डटेंगे मैदान में जिस मजबूती से राहुल गांधी आज डटे हुए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन वहीं पर ये भी सवाल आते हैं कि जब किसी को, जब विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हों, जब सीबीआई और ईडी के जगह जगह चक्कर लग रहे हों, वहां पर एक बिग रिलीफ एक विपक्ष के नेता को जब मिलता है तो उसको किस तरह से देखा जाए? एक तो नंबर वन कि उन्होंने ये विन किया, नंबर टू कि वो मोदी और अमित शाह इन पर बड़े घातक हमले उन्होंने नहीं किए कभी, या ये कहा जाए कि भाई ठीक है जैसे एक एथिकल राजनीति करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि देखिए जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वो होगा, इसको कैसे देखा जाए? ये भी एक सवाल है। इसको एक और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसको विपक्ष के लिए बड़ी राहत के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसको अगर हम, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के सांसद है, प्रवक्ता है, उनके इस बयान से अगर देखें जो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में रायपुर में दिया था कि सभी विपक्षी दलों को मिलकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका करनी चाहिए, इसको अगर, अब मुझे लगता है कि ये उसकी पूर्व पीठिका है, उसके लिए आधार है। अगर वो चाहें तो इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट सारे विपक्षी दल मिलकर जा सकते हैं इस मामले को, इस फैसले को आधार बना के, हो सकता है इस मामले में रिलीफ मिले। तो ये विपक्ष के लिए वास्तव में बड़ी राहत की खबर है अखिलेश यादव और उनके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराया जाए। बिल्कुल, ये तो स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से विपक्ष इस पर आगे काम करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वैसे ही अपने कार्य पर है जैसा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चीजें होनी चाहिए और उसी का सब सम्मान भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में ये जरूर कहा जाएगा कि एक परसेप्शन जरूर वर्क करता है, खासतौर से तब जब इतिहास में हमारे वो पन्ना रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे
क्योंकि वो ऐसा पन्ना है जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि किताब में होगा भी, लेकिन हुआ और वो दर्ज हो चुका है। तो जाहिर है अब तब से एक परसेप्शन का दौर जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जजेस जो है कहीं ना कहीं हाँ, और उससे हमारे लोकतंत्र की मजबूती पूरी दुनिया के सामने आई। यस, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उससे हमारे लोकतंत्र की मजबूती पूरी दुनिया के सामने आई कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना अधिक मजबूत है और दबावहीन किसी हद तक है। अगर लोग चाहे निकल के आना तो आ सकते हैं। ये वो एक बहुत बड़ा, पूरी सिविल सोसाइटी को, सारे मतदाताओं का, देश के सारे नागरिकों को वो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था कि ये जो सांप्रदायिकता का अंधेरा छाया हुआ है, जो ये एक खास विचारधारा, भाषा, संस्कृति थोपने का जो सिलसिला चल रहा है देश में, उसके खिलाफ अगर आप खड़े होना चाहें तो आप हो सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक संबल था आम नागरिक को देश के। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।